नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, मिट्टी के दियो के उपयोग पर दिया जोर। अयोध्या की तर्ज पर जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में इस वर्ष भी दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने दीप जलाकर पूरे मंदिर परिसर को रोशन किया। आयोजन का उद्देश्य लोकल फॉर वोकल अभियान को बढ़ावा देना रहा। सिद्धगुड़ा के सूर्य मंदिर और राम मंदिर परिसर में दीपोत्सव का नजारा देखते नहीं बन रहा। श्रद्धालुओं ने मिट्टी के दिए जलाकर पूरे क्षेत्र को जगमग कर दिया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल अभियान को बल देना है, ताकि स्थानीय कुम्हारों और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया और भक्तिभाव के साथ दीप जलाए। इस आयोजन से न सिर्फ स्थानीय समुदाय को एक साथ आने का अवसर मिला, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया, क्योंकि मिट्टी के दियों का उपयोग प्लास्टिक और केमिकल रंगों से बनी सजावट की तुलना में अधिक पर्यावरण हितैषी है। सिद्धगुड़ा का ये दीपोत्सव पूरे शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। लोग न केवल इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि पर्यावरण और स्थानीय कारीगरों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये सिद्धगुड़ा स्थित श्री राम सूर्य धाम मंदिर के प्रांगण में श्री राम मंदिर में आज दीप उत्सव मनाया जा रहा है, और राम अयोध्या में जो श्री राम मंदिर जो है उसी तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था, तो हर वर्ष की भांति इस बार भी दीप उत्सव मनाया गया। और ये सभी सामाजिक संस्थाओं, खासकर महिलाओं की उपस्थिति जो काफ़ी ज़्यादा थी, और ये 1100 दिया आज जलाया गया है, और अभी फटाखा वगैरह जो है फोड़ा जाएगा, और ये काफ़ी उत्सव में लोग जोश में थे। खासकर ये निवेदन किए हैं चैनल के माध्यम से कि जब भी हम दिया खरीदें तो अपने नज़दीक के कुम्हार भाई के द्वारा जो बनाया गया उसको लेकर के उनके आर्थिक भी लाभ होगा और दीपावली भी मनाया जाएगा। तो सर्ववासियों को भी सूर्य धाम मंदिर की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।